हूँ आप सारे बहन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज ये गणपति उत्सव का दूसरा दिन और आप सबको मेरी और मेरी परिवार की तरफ से गणपति उत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान संकट मोचन आप सब के सारे संकट मोचन करके खुशियां प्रदान करे। डेढ़ दिन के हिसाब से हमारे गणपति का डेढ़ दिन आज पूरा हो गया है, लेकिन हमारे जो पंडित जी ने बोला कि जो शनिवार है शनिवार को विसर्जन नहीं कर सकते, शुभ नहीं माना जाता, इसलिए डेढ़ दिन के हिसाब से विसर्जन का आज भी टाइम दिया हुआ है। और कल एकदम सुबह मतलब 4 बजे से लेकर 6:04 तक डेढ़ दिन का विसर्जन कर सकते हैं। तो हमने सोचा अगर शनिवार को विसर्जन करना शुभ नहीं है तो हम कल 4 बजे से लेकर 6 बजे तक विसर्जन कर देंगे। तो इसलिए हमें एक दिन का और मौका मिल गया है गणपति जी का सेवा करने का। सुबह मैंने आज गणपति जी को लड्डू मोदक और मालपुए से भोग लगाया था और अब मैंने गणपति जी को भोग बनाया है। बहुत ही भागदौड़ में किया इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और भोग में मैंने सोचा आज गणपति जी को एकदम बंगाली तरीके से भोग बना के दूँ। तो भोग में आज मैंने क्या क्या बनाया है चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और भोग में आज मैंने बनाया है मूंग का दाल, आलू परवल का सब्जी, टमाटर का चटनी, रसगुल्ला, साग, पोटैटो, पामकिन और ब्रिंजल फ्राई। ये अब जाके भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। और आज ना इतना ज्यादा गर्मी है यहाँ पे क्या बताऊँ, मतलब सुबह 6 बजे से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे तो सितंबर महीने पड़ते ही थोड़ा थोड़ा गर्मी कम होने लगता है, लेकिन इस साल क्या हुआ नहीं पता, इतना सा भी गर्मी कम नहीं हुआ और दिन ब दिन ना बढ़ ही रहा है गर्मी। जाके मैं कर लूँगी लंच क्योंकि हस्बैंड भी बाहर से आ गया है और अब हम लोग जाके लंच कर लेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। भी हो गया, चाय पीना भी हो गया
और अब थोड़ी देर बाद जाके ना बप्पा के लिए भोग बनाऊंगी। दो दिन कैसे बीत गया ना पता ही नहीं चला। गणपति इस साल पहली बार हमारे घर आए हैं और बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ सच में। मतलब ऐसा लगा ना कोई सच में घर में आए हैं हम लोगों का और हमारे साथ रह रहे हैं। सुबह बप्पा का विदाई है फिर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, एकदम घर सुना सुना सा लगेगा। मुझे ना आज से ही बहुत ही ख़राब लग रहा है, मन बहुत दुख हो रहा है। उम्मीद करूँगी कि बप्पा हर बार ऐसे हमारे घर आए और भी धूमधाम से आए, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और अब थोड़ी देर बाद जाके बप्पा के लिए मैं भोग बनाती हूँ और मेरी वीडियो को आज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ ज़्यादा ना खींचते हुए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।